हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, SSC, UPSC, डिफेंस, चलिए सबसे पहला शब्द है हमारा द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इम्पेडिमेंट। देखो लास्ट में MENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपको रोके। इसको याद कैसे करोगे? देखो पैदल चलना और ये इम, तो आप पैदल चल रहे थे, इम नेगेटिव होता है मतलब पैदल चलने से आपको रोक दिया। तो कोई चीज जो आपको रोके वो क्या होती है? इम्पेडिमेंट होती है। इसका वर्ब फॉर्म होता है इम्पीड करना। इम्पीड करने का मतलब क्या होता है? इम्पीड करने का मीनिंग होता है स्टॉप करना। इसके बहुत बस सिनोनिम्स एग्जाम में आता है स्टिमी करना। स्टिमी करने का मतलब क्या होता है? किसी को प्रिवेंट करना, किसी को रोकना उस काम को करने से, उसको बोलते हैं स्टिमी करना। तो इम्पेडिमेंट क्या हो गया? ये इसका वर्ब फॉर्म था इम्पीड, है ना। इम्पेडिमेंट नाउन था, मीन्स कोई चीज जो आपकी प्रोग्रेस को रोके। बैरियर हो, ऑब्स्टिकल हो, कॉन्स्ट्रेंट हो, ब्लॉकेज हो, मतलब रोकने वाली चीज हो। एक बॉटल नेक भी एक वर्ड होता है। बॉटल नेक भी क्या करता है? आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कोई चीज जो आपको हेल्प करे, असिस्टेंस दे मींस हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेशन दे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। तो इतनी तेज बारिश जो थी वो क्या थी? वो रोक रही थी, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन थी हमारे आउटडोर प्लांट्स पे, हम बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। कॉन्फिडेंशियलिटी लास्ट में ITY लग रहा है, फिर से नाउन है, बोलते ना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? कॉन्फिडेंशियल। कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है इसका मतलब क्या है? भाई प्राइवेट है, उसको सीक्रेट रखना। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है और उसी एडजेक्टिव का ये नाउन है। तो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, आप किसी चीज को प्राइवेट कर रख रहे हो। प्रिवेसी, सीक्रेसी, सेक्लूजन मीन्स अलग रख रहे हो सबसे। सेक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? सबसे अलग रखना। डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन का मतलब क्या होता है? कि आपकी मर्जी है, आप इन्फॉर्मेशन दो या ना दो, आपकी मर्जी है। आपने वैसे उसको क्या किया हुआ है? आपने उसको सीक्रेट रखा हुआ है, अब आपकी मर्जी है, आप आगे पास ऑन करो या ना करो। एंटोनिम्स, आपने डिस्क्लोज कर दी, रिवील कर दी सबको, डाइवर्ज कर दी, ये सारे नाउन फॉर्म्स है। किसके नाउन फॉर्म्स है? सारे रिवील के, डाइवर्ज के, डिस्क्लोज के। एक और वर्ड होता है अनवील। व्हील क्या होता है? घूंघट, घूंघट उठा दिया। इस सब का मीनिंग क्या? आपने इन्फॉर्मेशन सबको बाहर कर दी, मतलब आपने क्या किया? स्पिल द बीन्स कर दिया। स्पिल द बीन्स मीन्स आपने किसी का सीक्रेट क्या कर दिया? लीक कर दिया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स चीजों को सीक्रेट रखना। क्रूशियल है, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है मेडिकल सेटिंग्स में, मेडिकल एनवायरमेंट में, जिससे कि पेशेंट की प्राइवेसी क्या हो सके? बच सके। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंस। फिर से लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अबंडेंस मीन्स हद से ज्यादा, कोई चीज बहुत सारी है। इसका मतलब क्या है? वो चीज अबंडेंट है, लार्ज क्वांटिटी में है। प्रोफ्यूजन, बहुत सारी है, प्लेंटी है, बाउंटी है, सरप्लस है, मीन्स हद से ज्यादा है। एक और वर्ड यूज करते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, उसको स्टार मार्क करके लिखिएगा, एंड दैट इज प्लीथोरा। PLETHORA। इसको याद कैसे करोगे? प्लीज थोड़ा और दे दो यार, ऐसे प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा, प्लीज थोड़ा कर करके आपने खूब सारा बना लिया, मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत सारा। तो दैट इज व्हाट प्लीथोरा। डबल स्टार मार्क करके लिखना, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक और वर्ड जो एग्जाम में आता है, एम्पल। एम्पल का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारा, हद से ज्यादा। एम्पल हालांकि एडजेक्टिव फॉर्म है ना, ये सारे नाउन फॉर्म्स है। आगे एंटोनिम्स क्या हो गए? डर्थ पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है। डर्थ मीन्स कमी, पॉसिटिव भी बहुत बार आ चुका है, कमी, स्कैर्सिटी कमी, शॉर्टेज कमी। तो रीजन को जाना जाता है किस चीज के लिए? क्योंकि वहां पे बहुत सारा फ्रेश प्रोड्यूस है, मतलब बहुत सारी वहाँ खेती बाड़ी होती है और खूब सारा प्रोडक्शन होता है, उस चीज के लिए ये जो रीजन है वो फेमस है। एक्सपेडिशन, फिर से ION लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। फिर से PED लिखा हुआ है, मतलब पैदल चलना, आप पैदल चल के कहीं निकल गए, मतलब आपने कोई जर्नी शुरू कर दी, आपने कोई वॉयज शुरू कर दिया, मतलब आप किसी टूर पे चले गए। तो टूर, एडवेंचर, क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स किसी जिसको ढूंढने में निकल गए, कैंपेन किया।
एंटोनिम्स स्टैगनेशन, एक ही जगह रुके हुए हो, हेजिटेशन रुक रहे हो, इन एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक टूर पे जाएंगे माउंटेन्स को पे अगले हफ्ते। तो एक्सपेडिशन इज किसी जर्नी के लिए, किसी वॉयज के लिए, किसी टूर के लिए यूज किया जाता है। अगला वर्ड है इमिनेंट। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है इमिनेंट और एक होता है एमिनेंट। दोनों ही एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। इमिनेंट मीन्स जो होने वाला है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। तो जो होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। एमिनेंट होता है जो इंसान बहुत पॉपुलर होता है, बहुत फेमस होता है। अमिताभ बच्चन जी क्या है, एमिनेंट पर्सनैलिटी है, ही इज अ वेरी फेमस मैन। तो एमिनेंट मीन्स फेमस, और इमिनेंट जो होने वाला है। इम्पेंडिंग मंडरा रहा है, डबल स्टार मार्क कर लो। लूमिंग मंडरा रहा है भाई, अप्रोचिंग, आपके नजदीक आ रहा है। इनएविटेबल का मीनिंग होता है जो चीज को आप बच नहीं सकते, जिस चीज से मतलब जो चीज होगी ही होगी उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, अनअवॉइडेबल, ऐसी चीज जिससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, इनएविटेबल से कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, एक बार जल्दी से उन वर्ड्स की लिस्ट भी बना लेते हैं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड है इनविंसिबल, आप लोग मुझे मीनिंग्स बताते हुए चलोगे। इनडेलिबल, इललेजिबल, इललेजिटिमेट, फिर तो इजी वाले हैं, इनऑडिबल, इनविजिबल। चलो, तो इनविंसिबल मीन जिसको हरा नहीं सकते। इनविंसिबल क्या होता है, जिसको आप हरा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। इनडेलिबल, जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। इलेजिबल, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रेड। इलेजिटिमेट, जो इलीगल है। इनऑडिबल, जिसको आप सुन नहीं सकते। इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते। ये वर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा, मैं साइड हो जाऊँ, जो बच्चे कह रहे हैं मैम आप साइड हो जाओ भाई। अच्छा, मैं लिख भी दूँ क्या इनके मीनिंग्स, ये आप लोगों ने सुन लिया है लिख लोगे। चलो मैं लिख देती हूँ ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बेटा। इनविंसिबल, दैट कांट बी डिफीटेड। इनडेलिबल, ये वाली लाइन तो सेम है, दैट कांट बी इरेस्ड। इलेजिबल, दैट कांट बी रेड। इलेजिटिमेट, जो इलीगल है। इनऑडिबल, दैट कांट बी हर्ड, दैट कांट भी ऐड कर लेना। इनविजिबल, दैट कांट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स पे आते हैं इसके। एंटोनिम्स, कोई चीज में देरी हो गई है, डिलेड है। डिफर पे डबल स्टार मार्क करो। डिफर का मीनिंग क्या होता है, पोस्टपोन कर दी है। अनलाइकली, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, पोस्टपोन कर दी गई है। एक पोस्टपोन की फ्रेजल वर्ब भी होती है, पुट ऑफ कर दिया गया है जिस चीज को। पुट ऑफ का मीनिंग क्या है, उस चीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो डार्क क्लाउड्स थे, जो सर पे मंडरा रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक तूफान आने वाला है। लास्ट में ईएनटी लग रहा था, एडजेक्टिव था। अगला वर्ड है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयर करने का मतलब क्या होता है, कोई जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा हो। तो गाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील होता है। तो स्टीयरिंग व्हील क्या करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो स्टीयरिंग मीन्स किसी को डायरेक्शन दिखाना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। गाइड करना, पायलट करना, नेविगेट करना, मतलब एक डायरेक्शन में लेके जाना। एंटोनिम्स हुआ क्या, गलत गाइड कर दिया, गलत लीड कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, अपनी डायरेक्शन से ही अलग कर दिया। तो वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो जिम्मेदार थी शिप को सेफली स्टीयर करने के लिए, शिप को सेफली डायरेक्शन देने के लिए उन तूफान वाले समुद्रों में। अगला वर्ड कॉन्टेंशियस। देखो लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, जिससे लड़ाई हो। इसमें एक वर्ड है कंटेंशन, कंटेंशन एक फ्रेज होता है उसका, बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर एक और फ्रेज होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मीनिंग क्या होता है, झगड़े की जड़, कॉज ऑफ फाइट। तो कश्मीर क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है,
या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो झगड़े की जड़, समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डिसअग्रीमेंट, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब जिस पे लड़ाई हो जाए, जिस पे डिबेट हो जाए। एंटोनिम्स कंसेंसुअल, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सब लोग की सहमति है उस टॉपिक को लेके, हारमोनियस, शांति भरा है, एमिकेबल, फ्रेंडली है, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं है। इसमें जो रूट वर्ड है वो को है, को का मीनिंग होता है टुगेदर, साथ में। तो जो कंटेंशियस इशू था इसकी वजह से, जो लड़ाई वाला इशू था इसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए ग्रुप के बीच में, मतलब खूब लड़ाई हुई इस इशू की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज गार्नर करना, डबल स्टार मार्क करो। गार्नर करने का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो गार्नर कर रहे हो किसी चीज को मीन्स गैदर कर रहे हो, अमास इकट्ठा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। एंटोनिम्स डिस्पेंस कर दिया, बांट दिया, डिस्पर्स कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो उसका जो हार्ड वर्क है वो क्या कलेक्ट कर रहा है कि रिकॉग्निशन मिल रहा है उसे उसके पियर्स से, पियर्स में सहपाठियों से, उसे क्या मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सब लोग उसको अब जान रहे हैं। किसकी वजह से, उसकी मेहनत की वजह से। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। कुछ इडियम्स पे आते हैं, पहला है एस इन द होल। एस बोलते हैं इक्का। आपने, आप ताश खेल रहे हो, कार्ड्स खेल रहे हो, और कार्ड्स में आपने हुक्म का इक्का छुपा के रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई एडवांटेज है, आपके पास कोई हिडन एडवांटेज है जिसको आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। होता है ना, लोग कभी कभी क्या करते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, हुक्म का इक्का छुपा के रखते हैं, ट्रम्प का इक्का छुपा के रखते हैं कि लास्ट में मत काम करेगा। तो एस इन द होल का मीनिंग क्या हो गया, हिडन और सीक्रेट एडवांटेज दैट कैन बी यूज इफ नीडेड टू एंश्योर सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए जिसकी जरूरत हो सर हो तो आप उसको यूज कर लो। अगला वर्ड है हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल नेल को ना हेड पे ही हिट किया है, मतलब बिल्कुल सही किया है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली किसी काम को किया है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करी आपने। तो आपने बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने उस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया, तो मैंने आपको क्या बोला, वाओ यू हिट द नेल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब तुमने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। तो किसी चीज को एकदम एक्यूरेटली करना। अगला बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स में समय से पीछे चल रहे हो भाई, पहले कर लेते इस काम को, अब तक नहीं किया तुमने, क्यों नहीं किया भाई इस काम को अब तक, इसका मतलब अब तो कर लो कम से कम। तो समथिंग शुड हैव बीन डन अ वाइल अगो, कोई ऐसी चीज जो पहले करनी चाहिए थी और अब जरूरत है उस चीज को करने की, दैट इज बिहाइंड द टाइम्स, मतलब समय से पीछे चल रहे हो बेसिकली। रिलाई ऑन, आप किसी चीज के ऊपर रिलाई कर रहे हो, मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप उसके ऊपर डिपेंड ऑन कर रहे हो, आप ट्रस्ट इन कर रहे हो उस चीज में, आप उस चीज में बैंक अपॉन कर रहे हो। बैंक अपॉन का मीनिंग भी क्या होता है, आप उस चीज पे विश्वास कर रहे हो। तो किसी पीएनबी का शायद टैगलाइन भी है ना, यू कैन बैंक अपॉन अस, यू कैन बैंक अपॉन पीएनबी बैंक, तो बैंक अपॉन मीन्स आप विश्वास कर सकते हो। अगला है फ्लेयर अप कर देना। किसी चीज को फ्लेयर अप कर दिया मतलब लड़ाई को और बढ़ा दिया, आपने आग में घी डाल दिया, एड फ्यूल टू फायर, अप्लाई सॉल्ट इन अ वूंड। एड इंसल्ट टू इंजरी, टर्न द नाइफ, इन सब का मीनिंग क्या है कि आपने क्या किया, हाँ फैन द फ्लेम्स, आपने आग में घी डाल दिया, आपने क्या किया, फ्लेयर अप कर दिया। क्लियर सभी को आज की वोकैबुलरी? यस, एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 2200 बच्चे देख रहे हैं बट 2200 लाइक्स नहीं है, एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। प्लीज लाइक द सेशन एवरीवन एंड शेयर इट ऑफ कोर्स। न्यू डेटा लॉ, नया लॉ जो कि एक बैरियर है, जो कि एक रुकावट है, किस चीज को लेके, जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच को। तो एक नया लॉ आ रहा है जो कि एक रुकावट है, किस चीज को, जो कि एक रुकावट है फ्री स्पीच की। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे।
पढ़ लिया सभी ने? इन अगस्त 2023, अगस्त 2023 में इंडिया गॉट इट्स, इंडिया के पास सबसे पहला, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है कंप्लीट, तो इंडिया के पास कंप्लीट पूरा का पूरा डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया, डेटा को बचाने का लॉ आया, जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस, गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में है, मतलब अभी लगातार काम कर रही है ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग मीन्स बनाना, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना रही है जिससे कि लॉ को ऑपरेशनलाइज किया जा सके, ऑपरेशनलाइज मीन्स इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, लॉ चालू हो सके, काम करना शुरू करे। एंड द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड, और हमें उम्मीद क्या है, उम्मीद ये है कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा जनरल इलेक्शन के बाद, तो जो इलेक्शन है इसके बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। द लॉ इज लार्जली बेस्ड ऑन, लॉ जो है लार्जली मीन्स मेनली, लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस है उसका, यूजर्स पे, कि जितने भी यूजर्स हैं वो कंसेंट देंगे, वो कंसेंट मीन्स अपनी सहमति देंगे, अपनी हाँ करेंगे किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डेटा। तो अगर कोई भी यूजर अपना पर्सनल डेटा कहीं फिल करता है तो पहले उससे कंसेंट मांगा जाएगा कि क्या हम आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लॉ है ये बेसिक राइट्स देता है, जैसे कि एक्सेस टू, कि आप हमारा डेटा एक्सेस कर सकते हो या नहीं, क्या आप इरेजर ऑफ डेटा, क्या हमारा डेटा मिटाया जा सकता है या नहीं, प्लेसेस, ये जो लॉ है ये लगाता है कुछ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्शन, कुछ जिम्मेदारियां लगाता है कंपनीज के ऊपर, कंपनी को कंपल्सरी करना पड़ेगा क्या, कंपनीज के ऊपर कुछ कंपल्शंस लगाए जाएंगे, एंड स्टैब्लिशेस, और ये लॉ क्या बनाता है, कंप्लेंट्स बॉडी बनाता है। अच्छा, ऑथर ने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, कंप्लेंट्स बॉडी नहीं होगा, जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो कंप्लेंट बॉडी होगा। तो इस लॉ ने क्या बनाई है, इस लॉ ने कंप्लेंट बॉडी बनाई है, मतलब एक ऐसी बॉडी जहां पे लोग कंप्लेन कर सकते हैं फॉर ग्रिवियांस रिड्रेस, ग्रिवियांस मीन्स उनके जो दुख रहे हैं, उनके जो दर्द हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको बोलते हैं ग्रिवियांस, रिड्रेस मीन्स उनको सॉल्व करने के लिए, तो उनके दुखों को ख़त्म करने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उनके दर्दों को मिटाने के लिए इस लॉ ने एक कंप्लेंट बॉडी भी बनाई है। हाउएवर, हालांकि जो लॉ है इसका जो है इनविजिबल इम्पैक्ट होगा, ना के बराबर इम्पैक्ट होगा जर्नलिस्ट फ्री स्पीच पे, तो जर्नलिस्ट जो होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं उनकी फ्री स्पीच पे इसका ना के बराबर असर पड़ेगा। टिपिकली अगर हम बात करते हैं जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, अगर हम टिपिकली का मतलब क्या, एक तरीके से नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जितने भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं ये एग्जेम्प्ट करते हैं, एग्जेम्प्ट का मीनिंग क्या है, छूट देते हैं जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ को, कि जितने भी जर्नलिज्म लोग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं, इनको छूट मिल जाती है प्राइवेसी ऑब्लिगेशन से, कि इनको छूट मिल जाती है कि इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि प्राइवेसी को इनको मेंटेन करना है, जैसे कि इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कि इनको यूजर्स को नोटिफाई करना है, लोगों को बताना है कि हम आपका डेटा यूज़ कर रहे हैं, इनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना ही इनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी होती है कि उनको उनकी कंसेंट लेनी है, सहमति लेनी है उन लोगों के पर्सनल डेटा को यूज़ करने से पहले। तो इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया समरी क्या है, समरी वही है कि एक लॉ आया, लॉ हालांकि आ गया है लेकिन अभी तक उसका प्रोसेस चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लॉ जो है ऑपरेशनल जो है इलेक्शंस के बाद होगा। लॉ का मेन पार्ट क्या है कि भाई आप किसी का भी डेटा यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी सहमति ले लो, उससे हाँ करवा लो। ये लॉ कुछ हक भी देता है लोगों को, ये लॉ एक कंप्लेंट बॉडी भी बनाता है जहाँ पे लोगों के दुखड़े सुने जाएंगे, लेकिन इस लॉ का कोई फ़र्क नहीं है जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच पे। नॉर्मली अगर हम टिपिकली बात करें, पर्टिकुलरली बात करें अगर हम, तो ये जो लॉज होते हैं ये जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ को बचाते हैं, जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर वो कुछ न्यूज़ दे रहे हैं, कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो यूज़र्स को बताएं जिनका डेटा वो ले रहे हैं, या उन यूज़र्स की कंसेंट लें जिनका डेटा वो शेयर कर रहे हैं। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? येस और नो माई चैम्पियंस, मुझे सबसे आंसर भी चाहिए साथ के साथ। हाँ चलो, अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दो। एक तो यहाँ पे ये वाला टेंस क्यों यूज़ हुआ है, पहला क्वेश्चन। एक मुझे यहाँ का टेंस बता दो, इसका टेंस क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और इसका टेंस बता दो।
टू बी डन बता दो, एक्टिव है या पैसिव है? ये भी बता दो, एक्टिव है या पैसिव है? प्रोसेसिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. प्लेसेस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो. एस्टैब्लिशेस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो. अच्छा, यहां पे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया था कि भाई अगस्त 2023 की बात है. जब भी पास्ट का कोई समय दिया गया हो कि ये उस समय की बात है, तो हम जो टेंस यूज करते हैं उस केस में वो सिंपल पास्ट टेंस होता है. सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंडिया गॉट लिखा. द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसका मतलब ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इज एक्सपेक्टेड टू, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. इसका मतलब ये भी जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है. टू बी डन, फिर से टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब फिर से ये पैसिव वॉइस है. इज लार्जली बेस्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब फिर से ये पैसिव वॉइस है. तो ये तीनों के तीनों पैसिव वॉइस थे. प्रोसेसिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? द आर्टिकल है. आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बात करता है, तो प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया. अब अगर आप इस प्रोसेसिंग की असलियत देखोगे तो असलियत में तो ये वी वन प्लस आई एन जी है, लेकिन रोल किसका प्ले कर रहा है? नाउन का. तो जब भी जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम जेरंड बोलते हैं. तो प्रोसेसिंग आपका क्या है? जेरंड है. प्लेसेस कौन सी चीज है? देखो, इट का पैरेललिज्म है, इट प्रोवाइड्स, इट प्लेसेस एंड इट स्टैब्लिशेस. तो इन तीनों ही वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? प्रोवाइड्स का, प्लेसेस का, स्टैब्लिशेस का, इट है. क्योंकि इट सिंगुलर था इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया था. तो इन तीनों का ही सब्जेक्ट आपका इट है. कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग. हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? थ्री प्रीवियस ड्राफ्ट्स. ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? ड्राफ्ट मीन्स जो फाइनल था ही नहीं. तो थ्री प्रीवियस ड्राफ्ट्स, तीन पहले ड्राफ्ट भी आए, मतलब बिल्कुल फाइनल नहीं आए बट ड्राफ्ट आए डीपीडीपी एक्ट के. उनके अंदर एग्जेम्पशंस था, उनके अंदर छूट थी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज के लिए कि भाई जर्नलिज्म जो लोग कर रहे हैं, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा था. लेकिन जो फाइनल लॉ आया उसने छीन लिया ऐसी छूट. फाइनल लॉ ने बोला कि जर्नलिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट को भी परमिशन लेनी पड़ेगी. ऐसा जो छूट दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया, मीन्स वापस ले लिया गया. जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, ये पूरा का पूरा ग्रुप का नाम है क्योंकि देखो कैपिटल लेटर से लिखा है. इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एक मीनिंग है. तो एडिटोरियल गिल्ड ऑफ इंडिया, ये जो पूरा का पूरा नाम है, गिल्ड का मीनिंग होता है ग्रुप. तो ये जो पूरा का ग्रुप है, इसने भी पॉइंट किया इस रिस्क को. इसने भी बताया कि भाई इस लॉ के अंदर जो छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है. और एक लेटर लिखा सरकार को और वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि जितनी भी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं उनको छूट दी जाए इस एक्ट से. तो एक रिक्वेस्ट किया एडिटर के ग्रुप ने कि भाई हमको छूट दे दो प्लीज. अब सवाल ये है, नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि व्हाट डज प्रिवेसी, प्रिवेसी को क्या करना है, हैव टू डू विद जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच. तो प्रिवेसी का क्या लेना देना है फ्री स्पीच से, सवाल ये है. इमेजिन करो कि आप एक जर्नलिस्ट हो और आप लिख रहे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में.
अब ऑथर कह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि जर्नलिस्ट परमिशन क्यों नहीं ले सकते. आप सोचो कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक लेटर, एक एडिटोरियल लिख रहे हो, और आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिख रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में लिख रहे हो, तो आपकी स्टोरी के लिए आप उनकी जिंदगी की इंफॉर्मेशन यूज करोगे कि उन्होंने क्या क्या मीटिंग्स की हैं, कहाँ कहाँ की हैं, किसके लिए की हैं, किन शहरों में वो गए हैं, किस विलेजेस में गए हैं, किन सिटीज में गए हैं, ये सब आप लिखोगे अपने आर्टिकल में अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो. उन्होंने कितनी बार प्राइवेट जेट यूज किया है, या कितनी बार उन्होंने चार्टर्ड प्लेन यूज किया है, कितनी बार उन्होंने अपना खुद का जेट यूज किया है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनके पास कितना पैसा है, कितनी जमीनें हैं, कितने घर हैं, उन्होंने उनके कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स के द्वारा. आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अब अगर हिंदू के एडिटर को एडिटोरियल में किसी की बुराई करनी होगी तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं तुम्हारी बुराई कर लूं. पहले के जो लॉज होते थे तो कहते थे कि भाई जर्नलिज्म में अलाउ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ कि जर्नलिज्म में भी परमिशन लेने की जरूरत हो गई. तो अगर आप किसी के ऊपर भी कोई आर्टिकल लिखना होगा, या किसी की भी कोई चीज बतानी होगी, या न्यूज में किसी के बारे में कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको बताना होगा अगर पब्लिक को, तो पहले उससे जाके परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं तुम्हारे बारे में ये सच्चाई लोगों को बता दूं. सो दैट इज द प्रॉब्लम, वो ये प्रॉब्लम हो गई है. तो ऑथर इस पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, ऑथर पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को एक एमपी के बारे में लिखना है कि वो कितनी बार प्राइवेट जेट यूज करता है, उसके पास कितनी जमीनें हैं, कितना घर है, उसके रिश्तेदारों के पास कितनी जमीनें हैं, कितना घर है, वो किस किस से मीटिंग कर रहा है, कहाँ कहाँ मीटिंग कर रहा है, कितने शहरों में जा रहा है, कितने गाँव में जा रहा है, अगर उसको इस सब के बारे में लिखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा. चलो आगे पढ़ेंगे. आगे बढ़ेंगे सभी लोग. चलो आगे लिखा हुआ है, ज्यादातर ये जो इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट को चाहिए होगी ये पब्लिक डोमेन में तो होगी नहीं. ऐसा तो होगा नहीं कि वो उसको को जैसे पब्लिक डोमेन से निकाल ले, कहीं वेबसाइट में मेंशन हो. उसके लिए जर्नलिस्ट को क्या करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है. अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये एमपी को लेके, ये उसका पर्सनल डेटा है. ये एमपी का क्या है, पर्सनल डेटा है. यहाँ पे ऑथर ने फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक की है. क्या मिस्टेक की है, एक एमपी की बात हो रही है तो देयर कैसे लगा दोगे भाई, हिज पर्सनल डेटा आएगा. आजकल हिंदू में ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होने लगती हैं, पहले नहीं होती थी इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. चलो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक एमपी को लेके, वो क्या है, उसका पर्सनल डेटा है. वो ऐसा डेटा है जो प्रोटेक्टेड है डीपीडीपी एक्ट के अंदर. अब वो डेटा है जो प्रोटेक्टेड है, कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कोई भी जर्नलिस्ट अब जो इस डेटा को यूज करना चाहता है, हु विशेस टू यूज दिस डेटा विल हैव टू गेट हिज कंसेंट. अब उसको क्या करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए. तो जर्नलिस्ट को करना क्या है, बुराई करनी है एमपी की. लेकिन अब उस बुराई को करने के लिए जर्नलिस्ट को एमपी का डेटा निकालना पड़ेगा. अब हुआ क्या, वो एमपी का डेटा पर्सनल डेटा बन गया जो डीपीडीपी एक्ट के अंदर आ गया. अब डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी पब्लिश करने से पहले. चलो इवन आफ्टर पब्लिकेशन, चलो पब्लिश कर भी दिया, अब एमपी क्या कर सकता है, जो एमपी है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने हक को. एमपी का अपना हक क्या है, एमपी का अपना हक है कि वो उस डेटा को मिटवा सकता है, उस स्टोरी को मिटवा सकता है, और जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आप ऐसी स्टोरीज को डिलीट करो. तो अब एमपी के पास भी हक आया कि उसने वो उसके पास हक है कि वो ऐसे को इरेज करवा सकता है, डिलीट करवा सकता है. एक तो ये प्रॉब्लम है, चलो इरेजर मीन्स मिटा देना. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ऑथर ने दूसरी प्रॉब्लम बताई इस लॉ की, ये है कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है ये एम्पावर करता है, ये सशक्त बनाता है सरकार को. किस चीज के लिए, कि सरकार जो है इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी भी डेटा प्रोसेसर से इंडिया में.
तो इंडिया में कोई भी डेटा प्रोसेस करता है तो सरकार क्या कर सकती है, उससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस निर्भर करता है कि किस तरीके से इस प्रोविजन को, ये जो कंडीशन दी गई है कि सरकार कहीं से भी कोई भी डेटा मांग सकती है, इसको कैसे समझा जाता है, इंटरप्रेटेड मीन्स इसको कैसे समझा जाता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये इम्पैक्ट कर सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी को। अब बेचारे जर्नलिस्ट ने तो क्या किया, जर्नलिस्ट ने तो ये किया कि सरकार की बुराई करने वाला एक आर्टिकल लिख दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी से भी। अब अगर सरकार ने मांग लिया जर्नलिस्ट से कि तुम मुझे बताओ कि तुमने हमारी ये बुराई करी है तो इस बुराई में जो डेटा लिखा है तुम्हें किसने दिया है ये बताओ, तो जर्नलिस्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जर्नलिस्ट को तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है कि उनके सोर्सेज कौन है, उनको ये बात किसने बताई, उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो उनके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो अब वो जर्नलिस्ट जो हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इस लॉ में लिखा हुआ है कि सरकार किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। टेकन टुगेदर अगर अब मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लूँ तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो ज़रूरत आई है कि जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी अपनी स्टोरी को पब्लिश करने से पहले, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट इस पैराग्राफ की समरी क्या है, समरी वही है कि भाई हुआ क्या, जर्नलिस्ट को कोई स्टोरी लिखनी है, जर्नलिस्ट को कोई डेटा मेंशन करना है, अब वो डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है तो जर्नलिस्ट को रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी तो पर्सनल डेटा हो गया उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसे उसी कंसेंट लेनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी भी डेटा एग्रीगेटर से, डेटा प्रोसेसर से, तो अब क्या हुआ, जर्नलिस्ट जो है अपनी सोर्सेस को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाए। चलो आगे, मैम एमपी तो बहुत सारे हैं, जब भी देयर यूज, एक बच्चे का डाउट है, नहीं बेटा तो को ध्यान से देखो, ऑथर अभी एक ही एमपी की बात कर रहे हैं, एन एमपी मींस एक ही एमपी, और कहां किया हमने, तो इसी एमपी की बात हो रही है, तो इस रिजल्ट में भी इसी एमपी की बात हो रही होगी, तो मतलब अभी एक ही एमपी की बात हो रही है। इसके बाद हमने कहा क्या, यहां पे द एमपी, द एमपी मींस पर्टिकुलर एमपी, अगर हमें लिखना होता है बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। अभी ऑथर एक केस ले रहे हैं और एक ही एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाती हूँ, एक बच्चे को डाउट है क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मैंने बोला एक स्टूडेंट को कंसिडर करो, कंसिडर अ स्टूडेंट, तो अब मैं आगे जितनी भी बात करूंगी ना इसी स्टूडेंट की बात करूंगी, तो जितनी बार मैं स्टूडेंट के लिए यूज करूंगी मैं हिज यूज करूंगी या ही यूज करूंगी। तो एग्जाम्पल आप जिसका ले रहे हो आपको कंटिन्यू भी उसी के साथ करना पड़ेगा, तो ऑथर ने पहले एग्जाम्पल ही एक एमपी कर लिया है तो पूरी की पूरी बात इसी एमपी की होगी। अब चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ एन एमपी आएगा, बिल्कुल एमपी, इसको हिंदी में लिखो एम, कैसी साउंड है, वॉवल साउंड है, तो जब भी वॉवल साउंड होती है क्या लगाते हैं, एन लगा। तो पोटेंशियल क्या है कि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात लिखी गई है वो रिलाय करेगा, डिपेंड करेगा कि उसके पास हक है, किस चीज का हक है, कि वो मिटवा सकता है, वो अपनी स्टोरी को डिलीट करवा सकता है, और सरकार के पास भी पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ये सब चीज़ें अब रोकेंगी, इम्पीड मीन्स स्टॉप करेंगी कि जर्नलिस्ट की एबिलिटी, जर्नलिस्ट का काम क्या है, जर्नलिस्ट का काम है कि वो अपना रोल को डिस्चार्ज करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी क्या है, फोर्थ एस्टेट। अब फोर्थ एस्टेट क्यों बोला गया जर्नलिस्ट को, जर्नलिज्म को आप फोर्थ एस्टेट इसलिए बोलते हो, एस्टेट का वैसे मीनिंग होता है अ लैंड, अ एरिया या कोई बिल्डिंग, फोर्थ एस्टेट इसलिए बोलते हैं कि हमारी सरकार के तीन विंग्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव,
पहला होता है लेजिस्लेटिव, जो लॉज बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तीसरी होती है जुडिशियरी, जो चेक करती है कि लॉ सही है या गलत है। और चौथी होती है मीडिया या फिर जर्नलिस्ट। तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं, इनको इसलिए फोर्थ पिलर या फोर्थ एस्टेट बोलते हैं। तो जर्नलिस्ट का जो रोल होता है फोर्थ एस्टेट का, कि वो लोगों को बताएं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, वो होल्ड करें स्टेट को अकाउंटेबल, वो जिम्मेदार ठहराएं सरकार को। तो इस रोल को जर्नलिस्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, किस की वजह से, इस लॉ की वजह से। इफ दिस इज अ वेल आइडेंटिफाइड चैलेंज, अगर ये चैलेंज अब हम सबको पता है, तो सरकार ने ये चीज क्यों नहीं हटाई? देन व्हाई डिड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऐसे एग्जेम्पशन को क्यों हटाया सब्सिक्वेंट, मीन्स आगे आने वाले ड्राफ्ट से? पहले तीन में ये एग्जेम्पशन दिया हुआ था, जो पहले तीन ड्राफ्ट आए थे इस लॉ के उसमें ये छूट दी हुई थी, लेकिन जब फाइनल आया तो सरकार ने ये छूट हटा दी। तो ऑथर कह रहे हैं क्यों हटाई ये छूट सरकार ने, ये बात क्या है, अनक्लियर है, ये बात समझ में नहीं आई है। तीन पुराने ड्राफ्ट जो थे डीपीडीपी एक्ट के, जिसको एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिलीज किया था डेटा प्रोटेक्शन में 2018 में, फिर दूसरा गवर्नमेंट ने ही रिलीज किया था 2019 में, और फिर तीसरा वाला जो रिलीज किया गया था एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा 2021 में, इन सब में कंटेन, ये सब कंटेन कर रहे थे, क्लियर छूट दे रखी थी, क्लियर क्लियर छूट दे रखी थी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज को, कि जर्नलिज्म में परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर इसके बाद दो सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में, तो इसके बाद दो ड्राफ्ट और आए डीपीडीपी एक्ट के, 2022 में आया, 2023 में आया। तो जो छूट दी गई थी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज को, उसको वापस ले लिया गया। तो पहले के तीन में छूट दी गई थी, फिर अगले जो दो आए उसमें जो छूट दी गई थी उसको वापस ले लिया गया, वॉज विदड्रॉन, विदड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उसको वापस ले लिया गया बिना कोई रीजंस दिए हुए। तो ऑथर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलो आगे। लीगली देन, उस समय लीगली व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या क्या इसका सॉल्यूशन है जिसको हम एनविजन कर सकते हैं, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं। इन एडिशन टू, ऑथर ने बोला कि हमें इनेबल किया जाए, लागू किया जाए एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन प्रोसेस, कि कंसल्टेशन हो, बातचीत हो, ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता हो। गवर्नमेंट जो है स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स बहुत फास्ट, तो सरकार जो बहुत तेजी से रेमेडी कर सकती है इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है, वाया मीन्स किसके थ्रू, रूल्स के थ्रू, डीपीडीपी एक्ट के अंदर। अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे सकती है किसी भी डेटा प्रोसेसर को जो डेटा का यूज करते हैं, या क्लासेस ऑफ डेटा प्रोसेसर्स को, अलग अलग तरह के डेटा प्रोसेसर्स को, किसी भी लॉ के प्रोविजन से। तो ऑथर ने बोला अब सरकार को बीच में आना पड़ेगा, ये एक्ट लिखा हुआ है कि सरकार छूट दे सकती है किसी भी प्रोसेसर को, प्रोसेसर में जो डेटा को यूज करते हैं, कि आपके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता है। तो हुआ क्या, इसने क्या किया, वाइड पावर्स दे दी, बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गवर्नमेंट को, कि सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली मीन्स अकेले, कि सरकार किसी को छूट दे भी सकती है और सरकार किसी से छूट वापस भी ले सकती है, टेक अवे भी ले सकती है। बट इट इज द क्विकेस्ट रूट अवेलेबल इन दिस केस, लेकिन इस केस में यही है जो सबसे जल्दी हुआ हो सकता है। तो ऑथर ने बोला अब पूरे एक्ट को तो चेंज ना किया जाए, बट सरकार अब कम से कम जर्नलिस्ट को छूट दे दे। हालांकि जो छूट है जो जर्नलिस्ट वर्क को दी जानी चाहिए थी, ये जो है हिस्सा होना चाहिए था कोर टेक्स्ट ऑफ द लॉ का, मतलब लॉ का मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होना चाहिए था,
कि जर्नलिस्ट को छूट दी जाए, लेकिन अब सरकार को क्या करना चाहिए, अब सरकार को, द गवर्नमेंट मस्ट यूज दिस रूल, सरकार को इस रूल को यूज करना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट को छूट दे दें, जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं उनको भी छूट दे दें कि उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उनके ऊपर कोई भी कंपल्सन ना हो इस DPDP एक्ट के. तो ऑथर ने बोला, ऑथर ने वही बोला कि या तो इस लॉ के अंदर ही लिख देते हैं. अब अगर लॉ के अंदर नहीं दी है छूट, तो सरकार को जो पावर दी गई है कि सरकार किसी को भी छूट दे सकती है, तो अब सरकार को छूट दे देनी चाहिए जर्नलिस्ट को. दिस विल एंश्योर, ये इस बात को गारंटी करेगा कि जो DPDP एक्ट है इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो किसके ऊपर, जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच के ऊपर इंडिया. तो अगर सरकार ये छूट दे देती है तो ये एंश्योर हो जाएगा, इस बात की गारंटी हो जाएगी कि किसी भी इस एक्ट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच पे. समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? अगर हम टोन की बात करें तो टोन क्या हो गई, इन्फॉर्मेटिव थी, एनालिटिकल थी, ऑथर ने कहीं कहीं गवर्नमेंट की बुराई भी की, तो टोन जो है गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल भी है. तो ऑथर की ये तीनों टोन्स हैं. क्लियर फर्स्ट आर्टिकल? चल अब हम स्किमिंग करेंगे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को एक बार जल्द से सेशन को लाइक कर देंगे. 3000 बच्चे देख रहे हैं बट 3000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? सियाचिन 40 ईयर्स ऑफ ओपी मेघदूत. चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं. जल्दी से स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताओ एवरीवन, टेल मी द मेन आइडिया एवरीवन. देखते हैं आपका मेन आइडिया और हमारा मेन आइडिया मैच करता है या नहीं करता. सियाचिन लैंड ऑफ रोजेस है. सिया एक रोज स्पीशीज होती है जो इस एरिया में ग्रो करती है. चेन का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऊंची और सबसे ज्यादा ठंडी बैटल फील्ड है. ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चाइना है. ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की भी इसके अंदर विरासत है. जब LOC को बनाया गया था दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, इस एरिया को मार्क नहीं किया गया था. इंडिया कहता है ये एरिया मेरा है, और इस सब के हिसाब से जहाँ पे बताया गया कि लाइन कहाँ पे होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है. तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि सियाचिन को बताया ऑथर ने, सियाचिन लैंड ऑफ रोजेज है, बहुत सारे रोजेज उगते हैं वहाँ पे, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो सियाचिन को मार्क ही नहीं किया गया था किसका है, इसी वजह से इंडिया कहता है मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा है. सो दिस इज द मेन आइडिया. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ. आगे क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान कहता है मेरा है. अगर पाकिस्तान को उस एरिया का कंट्रोल मिल गया तो पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. पाकिस्तान ने वहाँ पे जर्नी स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान वहाँ पे मैप में भी, अपने मैप में भी मार्क करने लग गया कि पाकिस्तान का क्लेम विश्वसनीय हो जाएगा, सब लोग मानने लग जाएंगे वो पाकिस्तान का ही है. फिर इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आए, इंडिया ने भी सोचा कि अब पाकिस्तान वहाँ कुछ कर रहा है तो हमें पाकिस्तान को रोकना चाहिए. फिर हमारे यहाँ से भी लोग जो है वहाँ पे गए, इसकी वजह से हम भी प्लानिंग कर पाए, और इसकी वजह से एक ऑपरेशन चालू हुआ, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत. तो वही है, पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, इंडिया कह रहा है मेरा है. पाकिस्तान ने अपने मैप में भी उसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने वहाँ पे जर्नीज भी करना स्टार्ट कर दिया. इंडिया को लगा कि पाकिस्तान तो इसको ले लेगा, तो इंडिया ने भी जर्नीज करना स्टार्ट किया, इंडिया ने भी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा, ऑपरेशन मेघदूत. कार्टोग्राफी का मीनिंग होता है मैप में मार्क करना. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे. ऑपरेशन मेघदूत क्या है भाई? रिपोर्ट्स आई, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत,
ये चार लोग थे जो इनके द्वारा लीड किए जा रहे थे, उन्होंने इंडियन फ्लैग भी वहाँ पे प्लांट किया। फिर जो लोग थे उनको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया, वहाँ पे भेजा गया। हालांकि ऑपरेशन 1984 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स थे वो 1978 से ही वहाँ पे लैंड कर रहे थे। फिर ऑपरेशन की प्रिपरेशन में इन सारी सारी चीज़ों को वहाँ भेजा गया। तो बेसिकली ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बताया गया है कि ऑपरेशन मेघदूत में हमने लोगों को भेजा, अपनी पूरी पूरी फोर्सेस को भेजा, अपने इंडियन एयरफोर्स के टीम को भेजा, और इंडिया का फ्लैग जो है वहाँ पे लगा दिया। लास्ट पैराग्राफ। यूनिट 4 कुमाऊं, इसके ऊपर शायद कोई मूवी भी आई है ऑपरेशन मेघदूत के ऊपर, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। आगे फिर हेलीकॉप्टर्स लोगों को ले गए, सामान को ले गए, बहुत हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया गया, फिर लोगों को वहां पे भेजा गया, ऐसा एक स्टेटमेंट में बोला गया। इंडियन ट्रूप्स ने इस पोस्ट को कैप्चर कर लिया, इसका नाम ये रखा गया, बाना सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया, उनको परम वीर चक्र भी अवार्ड दिया गया, तो सबसे सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इस सब से। फिर 1984 से 2003 तक खूब लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे, बोथ साइड्स वर एक्सचेंजिंग फायर, मतलब खूब वहाँ पे वॉर चल रही थी। तो वही लिखा हुआ कि हमने अपने लोगों को भेजा, सामान भेजा, आप वहाँ की जगहों को अपने कंट्रोल में लिया, फिर परमवीर चक्र भी दिया गया उनके ऊपर, जो मेन वहाँ के थे उनके ऊपर वहाँ का उस पोस्ट का नाम भी रखा गया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे की गई, लेकिन लड़ाइयाँ वहाँ चलती रही 1984 से लेकर 2003 तक, उस एरिया पे खूब लड़ाइयाँ हुई। आगे फिर लड़ाइयाँ बंद हो गई 2003 में, जब एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया गया, लड़ाई रोक दी गई एलओसी के अलावा। और यहाँ पे एलओसी में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन जो सीज फायर है वो तब से अभी तक बना हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है। ऑपरेशन मेघदूत आज भी चल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सो ये दोनों आर्टिकल्स थे हमारे। अब आ जाते हैं मैच द कॉलम पे, चलिए मीनिंग्स बताएंगे। एक्सपेडिशन, देखते हैं कितने मीनिंग्स आपको याद हुए। जर्नी, इमिनेंट जो होने वाला हो, कंटेंशियस जिससे लड़ाई हो, स्टीयरिंग जो आपको डायरेक्शन दे, इम्पेडिमेंट जो रुकावट हो। सात वर्ड्स हैं, इनमें से तीन वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम तीन वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। मेरी जिम्मेदारी है रोज के रोज आपको एडिटोरियल पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है रोज के रोज तीन वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखने की। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको सिखाती है जिंदगी कैसे जीनी है। यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे मैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाती हूँ। और जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आज जो 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसका लास्ट डे है, इसके बाद आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ST25 आप कोड लगाएंगे, यू विल गेट 25% डिस्काउंट, और आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिर्फ इंग्लिश लेना है तो एक्सक्लूसिव लेना, और अगर कंप्लीट लेना है तो प्रीमियम लेना। प्रीमियम वाले में आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी PDF, सारी मैगजीन, सारी चेकलिस्ट, सारा कंटेंट मिलता रहेगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। मैम, 4 कुमाऊं एक रेजिमेंट का नाम है, ठीक है, ठीक है। एंड करें आज का सेशन।